वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनके साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले मैंने आपसे कहा था मैं जानना चाहती हूँ मेनोपॉज के बारे में। देखिए, मेनोपॉज जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जी। जिस प्रकार से स्त्री में ये जो मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है जी, जबकि वो 10-12 वर्ष की होती है, जब 40-45 की आयु आती है, 45 के करीब, तो उस टाइम वो नेचुरली बंद होती है। एक नेचुरल बॉडी का एक प्रोसेस है जी। तो इस प्रोसेस में आजकल बहुत समस्याएं आने लगी, पहले इतनी नहीं आती थी जी। उसका भी कारण यही है कि ये जो प्रोसेस नेचुरल चलता है इसको हम डिस्टर्ब करते हैं। किस तरह से डिस्टर्ब? वही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कुछ और चीजें इस तरह की, या फिर वात वर्धक जो हमारा खाना पीना जो है जी, वात का लाइफस्टाइल जो है जी, उसी से डिस्टर्ब होता है। क्योंकि अबॉर्शन की वजह से भी मेनोपॉज में प्रॉब्लम होती है? अबॉर्शन से भी होता है, जो भी अननेचुरल कोई हम चीज इसके साथ छेड़खानी करेंगे जी, ये एक नेचुरल साइकिल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। जैसे हर चीज हमारी बॉडी में रिदम में चलती है, हार्ट भी बीट करता है, लंग्स अपना जो है वो भी रिदम में चलते हैं, इंटेस्टाइंस भी रिदम में चलती हैं। लेडीज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 28 डेज का ऐसे रिदम में चलता है जी। लेकिन अगर हम इसको जबरदस्ती कुछ उल्टा सीधा कुछ इसमें गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन है, चाहे अबॉर्शन है जी, या और कुछ इस तरह के हम जो यंत्र प्रयोग करते हैं या कुछ अननेचुरल सेक्सुअल मेथड्स हैं उनका प्रयोग करते हैं जी, तो उससे क्या होता है कि इसमें फिर एक डिस्टर्बेंस आता है जी, और फिर जब मेनोपॉज की एज आती है उस टाइम तक इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है कि उसको पता ही नहीं होता अब कैसे बंद होना है। अच्छा। तो वो बंद होते होते कई प्रकार के सिम्टम्स बॉडी में जो है वो पैदा करता है जी। कहीं पर एकदम हॉट फ्लशेस बोलते हैं, बहुत तेज पसीना आ जाता है जी, जी। किसी को माइग्रेन शुरू हो जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है जी, किसी को इरिटेशन हो जाता है। तो ये फाइब्रॉइड्स भी मैंने सुना है मेनोपॉज के दौरान उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती तो इसी वजह से, लेकिन इनका अब समाधान क्या है? होती क्यों है? क्योंकि उस समय जो नेचुरल हार्मोन्स बन रहे होते हैं वो तो बंद होने लगते हैं जी, नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, लेकिन आजकल वो वैसे हार्मोन खाते रहते हैं हम, तो तब तक तो पता चलता नहीं, लेकिन जब वो टाइम बिल्कुल ही बंद होने का आता है तो हार्मोन्स बिल्कुल बनने बंद हो जाते हैं। तो या वैसे तो मेनोपॉज बहुत सारी महिलाओं की शिकायत है जी। देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट कॉलर है, आई होप वो भी एक महिला है, देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। नमस्कार, मुझे खुशी है कि इस स्पेशल एपिसोड में जो विमेन को डेडिकेटेड है एक मेल भी फोन कर रहे हैं जी। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी हाँ, मैं वैसे तो मैं विनोद बोल रहा हूँ। विनोद जी, बताइए आपकी क्या परेशानी है? कोटा से बोल रहा हूँ मैं, और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, सिर्फ महिलाओं के ही फोन कॉल आए थे, लेकिन मैंने भी कोशिश की तो अल्टीमेटली मेरा लग गया, तो मैं शायद पहला मेल हूँ जिसका फोन लगाया है जी। जी, इसलिए आपका डबल स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जी। बताइए, मुझे प्रश्न ये पूछना था कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है जी, बहुत देखने में आती है, और अभी मेरी मिसेस के अंदर भी मैं ये फील कर रहा हूँ कि शायद ब्रेस्ट में कुछ गांठ जैसा बन रहा है, और वो हिचक रही है डॉक्टर को बताने में, बोलती है नहीं नहीं ये चीज तो मैं कहा किसी डॉक्टर को बताऊंगी ये सब, लेकिन चूंकि मैं पढ़ता रहता हूँ नेट पे वगैरह सब पे कि अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो कैंसर की हो सकती है। और एक चीज मुझे एक तो ये पूछना था कि ब्रेस्ट में जो अगर मान लीजिए कैंसर की गांठ है मान लेते हैं, तो क्या उसका आयुर्वेद में क्या इलाज है? और प्लस दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उसके बाद स्तनपान कराती हैं महिलाएं, तो क्या उसके बाद भी कैंसर की उम्मीद रहती है ब्रेस्ट में? क्योंकि स्तनपान करा रही है तो ब्लड सर्कुलेशन या जो भी प्रोसेस है वो तो चल रहा है, तो क्या उसके बावजूद भी ये कैंसर की गुंजाइश रहती है क्या? तो मुझे इन दोनों का मुझे कुछ आयुर्वेदिक निदान बताएं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और हमें बड़ी खुशी है कि आप अपनी पत्नी के प्रति बहुत चिंतित हैं जी। लेकिन सबसे पहले तो वैसे अगर वो कैंसर नहीं है, गांठ है, तो आप उसको कैंसर का रूप मत समझिए, लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि अगर कैंसर हो जाए तो आयुर्वेद में क्या इलाज है, देखिए इलाज तो हम कैंसर हो चाहे कोई भी बीमारी हो, इलाज तो आयुर्वेद में हम करते हैं, और करते भी किस प्रकार से हैं? आपको मालूम है, आप प्रोग्राम देखते हो, हम उसके कारण को समझते हैं कि कारण उसका क्या है। जैसे आपने कहा कि शायद स्तनपान जो स्त्रियां नहीं कराती क्या उनको कैंसर होता है क्या, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हम एक बहुत
छोटी सी बात यहाँ पर अभी हम कर रहे थे कि जब भी हम किसी भी नेचुरल प्रोसेस में छेड़खानी करेंगे तो कोई भी बीमारी आ सकती है। तो बच्चा पैदा होने के बाद स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत नेचुरल सी चीज है, लेकिन आजकल नहीं करते लोग। हम उसको जो है समझते हैं कि इससे हमारे फिगर में कोई प्रॉब्लम होगी या और कोई परेशानी आ जाएगी। तो ये जो हम जो अननेचुरल जो कर लेते हैं, नेचुरल को छोड़ के अननेचुरल, इसी से बीमारियां आती हैं, चाहे वो कैंसर हो चाहे कुछ भी हो। तो आवश्यक तो यही है कि हम जो अपने नेचुरल रिदम्स हैं, अपनी नेचुरल साइकिल्स हैं, उनको जान पूछ के डिस्टर्ब ना करें। जहां तक आपकी पत्नी का सवाल है, मैं आपको ये जरूर राय देना चाहूंगा कि इसको तुरंत चेकअप कराइए शरीर में और ब्रेस्ट में, खासकर उनके अगर कोई भी गांठ है तो उसको जो है इस तरह से आप नजरअंदाज मत करिए। मैं यही कहूंगा कि वो कैंसर नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसका चेकअप जरूर कराइए। आजकल जो है मैमोग्राफी होती है और FNAC टेस्ट से भी कई बार तुरंत पता चल जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये जानकारी लेना चाहता हूँ, चेकअप मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। मैं फ्यूचर के लिए जानकारी लेना चाहता हूँ कि अगर भगवान ना करे निकल जाता है ना, तो फिर क्या आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट है? मतलब मैं एलोपैथी की बजाय आयुर्वेद में जाना ज्यादा पसंद करूंगा। वही मैं आपको कह रहा हूँ, उसकी चिंता मत करिए, इलाज तो होता है। और अगर आप सही टाइम पर अगर हमारे पास आते हैं तो कैंसर का भी इलाज होता है, लेकिन अगर बहुत लेट हो जाता है तो तब आयुर्वेद भी कुछ नहीं कर पाता। तो कितना लेट, मतलब आपके अनुसार अगर इतना लेट हो गया तो फिर कुछ गुंजाइश नहीं रहेगी इलाज की? तो कितना नहीं, उसमें तो देखिए लेट का मेरा मतलब ये है कि कैंसर में कई स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट और सेकंड में खासकर ब्रेस्ट कैंसर, उसमें अच्छे रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह से मैं ये मान लूं कि आयुर्वेद में आशा की किरण है? बिल्कुल है, बिल्कुल जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर एक और ऐसी बीमारी है जो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे के पूरे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके अलावा जो हम अननेचुरल मेथड जो मैंने जिनका जिक्र किया, तो ये सारी चीजें इकट्ठी होकर के, और सबसे बड़ी बीमारी जो आज के युग में बढ़ती जा रही है वो मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ती जा रही हैं। खासकर वेस्ट का आपने जिक्र किया, वहां पर इमोशनल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं, रिलेशन की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि उनका डाइवोर्स, ब्रेकेज, ये तो कितना बड़ा इमोशनल ट्रॉमा। बजर बज गया है। हमारा टॉपिक भी पूरा हो ही गया है ऑलमोस्ट, हमने काफी सारी चीजें इसमें बात की हैं आज। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों से और खासकर महिलाओं से कि जितना भी पॉसिबल हो अपने शरीर की बायोलॉजिकल रिदम, अपनी जो नेचुरल साइकिल्स हैं, उनको मेंटेन करिए। और मेंटेन करने के लिए हम बार बार कहते हैं आयुर्वेद को फॉलो करिए, मेंटेन करने के लिए जीवानंद प्रोग्राम जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जीवन जो है स्वस्थ रहेगा और आनंद में रहेगा। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपने इतनी सरलता से हमें समझाया कि सिंपल हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम जिए तो कोई भी बीमारी हमें छू भी नहीं सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, अपने बिजी शेड्यूल से आपने इतना समय निकाला और हमारे शो पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके और कोई सवाल है, अगर आपका फोन आज नहीं लग पाया तो प्लीज चिंता मत कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ये है हमारा एड्रेस, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा 12001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jeeva.com। दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड की औरतों के नाजुक कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे घर को संभालना, बच्चों को संभालना, ऑफिस में जाके काम करना। और इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने के लिए जरूरी है कि हम रहें हेल्दी। जाते जाते आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ, डॉक्टर साहब ने आपको जो भी टिप्स दिए हैं उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं, आयुर्वेद को अपनी डेली रूटीन में अपनाएं, ताकि आप रहें स्ट्रांग, फिट और ब्यूटीफुल। इसी संदेश के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूं आपसे इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।